ए मैडम जी उठिए ना, क्लास में बच्चों को कुछ जानना है। चलती क्लास में बच्चों को बच्चों के हाल पर छोड़कर सो जाना कोई सीखे तो उस मैडम से सीखे। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर स्कूलों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बिहार के हजारों सरकारी स्कूलों में माता पिता अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तालीम पा सकें। पर जब स्कूल में तालीम देने वाले शिक्षक भरे क्लास में बच्चों को छोड़कर नींद लेने लगे, तो तालीम की बात तो छोड़िए, शिक्षक के इस रवैये को देखकर एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाएंगे। एक तरफ सरकार सब पढ़े सब बढ़े की नीति पर काम कर रही है, पर सवाल ये है कौन पढ़ाए और कौन सोएगा, ये ना तो सरकार तय कर सकती है और ना ही आप। जिन्हें ये तय करना है वो तो बड़े आराम से छात्रों को उनके हाल पर छोड़कर मस्त होकर सोए हैं। चलती क्लास में सो रही मैडम की तस्वीर जब कैमरे में कैद हुई, तो मैडम से जब ये पूछा गया कि मैडम आप क्लास में सो रही थी तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। मैडम आप सो रही थी? सर दर्द करता था ना, गीता आया था जी, सर दर्द करता था। क्या नाम है आपका? कौन स्कूल है? स्कूल तो देखे ना, तो स्कूल है। क्या क्या नाम स्कूल का? श्री कॉलेज अनुसूचित जाति। तो मैडम के माथा में दर्द था इसलिए मैडम सो गई। माथा समझते हैं ना, वही जिसके कई नाम हैं, जैसे मस्तिष्क, सिर इत्यादि। वही सिर इस तस्वीर को देखकर बिहार के मुख्यमंत्री भी पकड़ लेंगे कि कसम से हम तो तनख्वाह देते हैं पढ़ाने का, पर ये मैडम सोए सोए पैसा लेने का स्कीम बना डाली। चलिए अब जान लीजिए कि ये आपका और हमारा माथा दर्द कराने वाली तस्वीर कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड मुख्यालय से सटे महेशपुर पंचायत अंतर्गत श्रीकोल गांव के वार्ड नंबर 4 के प्राथमिक विद्यालय श्रीकोल अनुसूचित जाति स्कूल की है, जहां शिक्षिका क्लासरूम के अंदर आराम से सोती रहीं और छात्रा अपने शिक्षिका को जगाती रहीं। कुछ देर बाद शिक्षिका की आंखें खुली तो कैमरा देखकर खुली की खुली रह गई। मैडम आप सो रही थी? सर दर्द करता था ना, गीता आया था जी, सर दर्द करता था। क्या नाम है आपका? कौन स्कूल है? स्कूल तो देखे ना, तो स्कूल है। क्या क्या नाम स्कूल का? श्री कॉलेज अनुसूचित जाति। सो रही शिक्षिका के सामने कई ग्रामीण और मीडिया कर्मी खड़े थे। वहीं पास में बैठी एक छात्रा टीचर को बार बार आवाज देकर उन्हें जगाने की कोशिश भी कर रही थी, पर मैडम इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन आया और कौन गया। अब आप ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि इस तरह कौन पढ़ेगा और कौन बढ़ेगा। जयप्रकाश भगत, न्यूज लाइव, आजमनगर।